देखिए दोस्तों, हम गांव की दहलीज पर पहुंच गए हैं और मैं दिखाता हूं आपको गांव के पास में हम कहां तक पहुंचे हैं। ये बस चार खेत नीचे, चार डांग नीचे कह सकते हैं कि गांव आ चुका है। और देवी का मंदिर, काली माता का, जय हो मैया रानी। ओहो, कुछ तो यहाँ पर आनंद है दोस्तों। यहाँ के वातावरण में इतना पैदल चलने के बाद भी थकान तो लग रही है, लेकिन एक मज़ा सा भी आ रहा है दोस्तों। अंदर से जो आनंद हो रहा है दोस्तों, उसके शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भले ही थोड़ा थकान भी लग रही है। तो ये है दोस्तों मंदिर, वो काली माता का। और कोई भी आया है, अभी अभी पहुँचा है गाड़ी से, आप देख सकते हैं। तो नीचे जाके देखते हैं कौन आया। ये भी एक मंदिर है दोस्तों। अरे बाप रे, वैसे ये टेक्निक काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, इस तरह से सामान लाने की, थकान भी ज़्यादा नहीं लगे। और अरे, ये तो लगता अपने परिवार के ही। अरे नमस्कार। ओहो, तो ये तो पुष्पेंद्र भैया की वाइफ हैं। मैं तो सोच रहा था कोई और है, ये तो अपने परिवार के ही बंदे। चलो चलो, नमस्कार करते हैं। सामान उतारते हैं। नमस्कार जी, हो गया गांव का टूर। नमस्ते जी, अभी आए? क्या हो रहा है? माने नहीं, कुछ नहीं भाई, ये फॉर्मेलिटी बंद करो, कोई बात नहीं। कुछ सामान तो नहीं? मेरा तो ऑलरेडी दो हो रखे हैं। गाड़ियाँ भी नहीं है ना इधर हमारे रूट पे तो। अच्छा, आप तो नीचे से। अच्छा, मुझे पता नहीं था आप आ रहे, नहीं तो मैं बैठ के आ जाता उधर से। कौन से वाले? अच्छा, सतपुली से आए हो, तो मैं सतपुली से तो आया पहले। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अभी। हैं तो चलो दोस्तों, शुरू हो चुकी है ब्लॉगिंग फिर से। गांव के अंदर पहुंचने का मज़ा, वाह। और यहां पर इस खेत में सौरभ भाई की और पुष्पेंद्र भाई की शादी होने की घटना घटित हुई थी इसी खेत में दोस्तों। एक दिन तो टेंट भी उड़ गया था, लेकिन बाकी सब हो गया था बढ़िया से। तो